हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग को छोटे छोटे कपड़ों का यूज बताने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा सा पर्स बनाने वाली हूँ। तो देखिए, इस कार्टून में भरे हुए हैं मेरे कपड़े। और चलिए, जो मैं बताने वाली हूँ वो निकाल लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं छोटे छोटे। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इनसे कैसा पर्स बनेगा, लेकिन आज मैं बना के ही दिखाऊंगी। तो देखिए, बहुत ही छोटे छोटे से पीस हैं, और जो बाकी का सामान है मेरा सिलाई का, उसको मैं भर देती हूँ, क्योंकि ये भी मैंने सिलाई के लिए निकाले हुए हैं और आप लोगों के साथ एक एक करके शेयर करूँगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं। लेकिन आज तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वही शेयर करूँगी। तो देखिए, मैंने छोटे छोटे कपड़े ले लिए हैं, और मैंने एक और पर्स बनाया था इसमें से ही। तो और एक ब्लाउज का पीस था, तो उसमें से कतरन बची हुई है, तो मैं उसका ही पर्स बनाने वाली हूँ। तो उसमें से मैंने एक और पर्स बना दिया, और ये फिर भी कतरन बच चुकी है। तो मैंने सोचा इसका भी कोई यूजफुल आइडिया बना ही दिया जाए, क्योंकि तो बहुत ही यूजफुल होगा। आप इसे मल्टीपर्पज़ यूज कर सकते हो, आप किट के रूप में भी मतलब यूज कर सकते हो, या फिर पर्स के रूप में भी, मोबाइल पर्स के रूप में, या फिर पैसे वगैरह के लिए आप मार्केट वगैरह जाते हो तो इसे यूज कर सकते हो। अब देखिए, जो भी टुकड़े हैं मैं उन्हें आपस में इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। और गाइज, अगर आप लोगों को हमारा ही आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आप लोगों के साथ लेटेस्ट आइडिया शेयर करती रहती हूँ। अब देखिए, सीधी मैं जो भी पट्टियाँ हैं उनको मैं सीधा कट करती जा रही हूँ और सिलती जा रही हूँ आपस में, ताकि ये जॉइंट हो जाए आपस में। और देखिए, दूसरे ब्लाउज का भी पीस ले लिया है मैंने, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बड़ा तो भी हो जाएगा ये। और देखिए, ये भी छोटे छोटे कपड़े थे तो मैंने उसको भी सिल लिया और इसके ही नाप का इसको बना लिया। और ये इसका जो चौड़ाई और लंबाई करीब है वो 5x10 इंच की हो जाएगी टोटल। और देखिए, मैं इसको कट कर देती हूँ, तो मैं भी अंदाजे से ही बता रही हूँ आप लोग को, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हमें भी हो जाता है, हम सिलाई वगैरह करते हैं। तो मुझे नापने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ी, जितना कपड़ा निकला था उस हिसाब से मैंने इस पर्स को बना दिया है। ना ही छोटा किया है, ना ही बड़ा किया है, जैसे कपड़ा था उसी हिसाब से मैंने इसको बनाया। और अगर और भी बड़ा होता तो शायद और भी डिफरेंट मैं बना देती, लेकिन कपड़ा छोटा ही था तो फिर मैंने इसी टाइप का बना दिया सिंपल। और ये भी यूजफुल है, ज़रूरी नहीं है कि हैवी पर्स ही बनाओ, बड़ा पर्स ही बनाओ आप लोग। ऐसे आप मोबाइल के लिए, पैसे के लिए, मल्टीपर्पज़ किट के लिए, मेकअप किट के लिए, या फिर पेंसिल बॉक्स की तरह आप जैसे भी इसे यूज करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। अब देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें जिप को अटैच कर दिया हर दोनों साइडों में। ऊपर से एक और सिलाई हम लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद में मैं एक स्ट्रिप सिल लूँगी, तो स्ट्रिप हम इसे पकड़ने के लिए करीब इसे लगाएंगे, ताकि आप मार्केट में सामान वगैरह लेते हो, खरीदते हो, तो इसे आप उंगली में फंसा लीजिए, ताकि आपका जो पर्स है गिरे ना कहीं भी। और देखिए, इस तरीके से हम स्ट्रिप को इस तरीके से बीच में यहाँ पर चैन के पास में अटैच करते हुए और इसको सिल देंगे सीधा। तो सीधी आपको तीनों साइडों से सिलाई लगा देनी है, क्योंकि एक साइड तो हमारी जिप लगी हुई है। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से हमारा ये पर्स बन के रेडी हो जाएगा केवल 3 से 4 मिनट में। और गाइज, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करके भी जाना। तो देखिए, अब मैं इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देती हूँ। आप इसमें पाइपिंग लगाना चाहो तो पाइपिंग भी लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। पाइपिंग लगाने से थोड़ा सा मजबूती आ जाती है पर्स में, लेकिन छोटा सा पर्स है, इसको क्या मजबूत बनाएंगे हम, और केवल 2-3 मिनट में इसे बना सकते हो, 3-4 मिनट में। और देखिए, हमारा प्यारा सा पर्स बन के रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।